Assalamualaikum। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोग मुझे कहते हो यार कि बताया ना करो आगे क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है गेम प्ले में, लेकिन इस बार तो मैं ज़रूर बताऊंगा। गाइस, लास्ट में ना फुल स्क्वाड ब्रिज के ऊपर था, मैं ब्रिज के नीचे पानी के अंदर, और छोटा सा जोन था बिल्कुल, और फिर भी मैं गेम निकाल गया। तो सबसे पहले तो करो लाइक, और दूसरी बात ये कि जूबी कर रहा था इस मैच की लाइव स्ट्रीम, मतलब ये लाइव स्ट्रीम पर खेल रहा था मैं, तो लाइव स्ट्रीम पर खेल के मचा दिया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी इज्जत दीना अल्लाह पाक ने यार, देखो लाइव स्ट्रीम पे भी मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो सबसे पहले गाइज लाइक करो और इन्जॉय करो वीडियो, हम मौत के मुंह में कई बार गए। अच्छा, ये जो दो टीममेट्स हैं ना, नंबर 3 और नंबर 4, ये जूबी के सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये लोग लाइव स्ट्रीम से आए थे टीम को जनरेट करके। तो मतलब अब मैं इनको नहीं जानता था, बिल्कुल रैंडम थे, और मैंने माइक किए हुए थे दोनों ऑफ, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा ऑन कर रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग सेफ नहीं हो रही यार, मैंने इतने गेम प्ले खेले गाइज, कोई सेफ नहीं हुआ, इतना दुख हुआ ना। तो आज सोलो स्क्वाड निकालूंगा सारा गेम प्ले, बहुत अच्छी लॉबी थी, सारे अच्छे प्लेयर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसमें चिकन निकाला, और जैसे निकाला ना मैं बोल रहा हूँ आप लोग पागल हो जाओगे देख के। तो गाइज टेंशन ना लिया करो यार, कभी कभी मर जाते हो ना गेम प्ले में, मेरी इतना रिकॉर्डिंग सेफ ना हो, टेंशन ना लिया करो, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है। गाइज ये वाला गेम प्ले पूरा देखना बस, सही है ना, बस मज़ा आएगा, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, मज़ा आना है ना, बस डिसलाइक करके चले जाना, मज़ा तो आएगा आपको एंड में। और आपको एंड में मैं बताऊँगा अभी ओपन सर्कल जब होता है ना गाइज, तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ओपन वाले सर्कल में। सर्कल बिल्कुल ओपन था और पूरा स्क्वाड एक तरफ, सोलो बंदा एक तरफ, और फिर भी मैं ओपन सर्कल में अक्ल इस्तेमाल करके जो मैंने गेम निकाल लिया। तो आप लोगों को दिखाएंगे हम लोगों ने कैसे निकाला गेम। तो मुझे यहाँ पे शॉटगन मिली और मुझे साउंड आया कि वहाँ बंदे इस घर पे मार्क भी किया मेरे टीममेट ने, हमने रश किया, और अब ये एक एक करके जाएंगे और नॉक होंगे। देखा तो ये जो भी भाई थे इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन हमारे टीममेट्स को हमने कवर दिया, जो कि हमें कभी नहीं मिलती, हम नॉक होते हैं तो हम पक्का मरते हैं, यहाँ पे हमने अपने टीममेट्स को बचा लिया। तो ये सस्ते वाला बॉट मामा हीरदा, इसको हमने मारा, इससे हमने बैरल उठाई, और अभी सामने कोई पाकिस्तानी बंदा है, अगर आप उसको जानते हो तो ज़रूर बताना भाई को कि आप गेम प्ले में आए थे सर, हमारे सर नीचे ना बॉट को मारने के बाद ना रीलोड कर रहे होंगे गन। साद भाई 0707 साद, इसको तो नाम भी याद हो गया मुझे। तो भाई ने यहाँ पे हमारी 5-6 शॉट गन ज़ाय करवाई, उसके बाद जाके भाई पूरे मेरे, क्योंकि मुझे डर था इसके टीममेट्स कवर के लिए ना आ जाएं पचिंकी में, क्योंकि मैं अलग था, आप देख सकते हो सारे टीममेट्स से मेरे। तो हमने यहाँ पे अकल इस्तेमाल किया और 2-4 बंदे मार दिए। अभी ये पचिंकी में मज़ा नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, अभी देखना एक ट्रिक, अगर बंदा वहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ ना कैसे मारते हैं। गोली चली, समझ लग गया कि सामने बंदे हैं, हमने अकल इस्तेमाल करके और साउंड लेके रश कर दिया उनके ऊपर। टेंशन नहीं लेनी बाबा जी, मामे हीरदे अगर वहाँ पे हैं तो रांझा जा रहा है मारने के लिए। पहले मैंने शॉटगन ली, उसके बाद मुझे साउंड आया कि बंदा ऊपर गया, मैंने जंप करके देखने की ट्राई की, लेकिन ये नाकाम कोशिश। और अब देखो ज़रा, बंदा अकल इस्तेमाल कर रहा था, अगर कोई बंदा वहाँ पे कैंपिंग कर रहा होता तो लाजमी यहाँ से नज़र आ जाता, तो आप देखा करो। और अभी छोटा भाई ना मदरसे नहीं जा रहा, रो रहा है। आप कभी अगर छोटा भाई रोता ना, मदरसे नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गैस पचिंकी अब खाली हो चुका था, मैंने खाना भी खाया, मतलब काफ़ी वेट किया यहाँ पे, मैंने एक जगह लेट गया था, खाना खाया, उसके बाद हमने गाड़ी उठाई, उसके बाद हम ड्रॉप के लिए निकले, क्योंकि लेवल 3 नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो हमने फ़ौरन से गाड़ी उठाई चले गए लेवल 3 लेने के लिए। और अब से शुरू होता है मौत का नंगा नाच, मौत का नंगा नाच तो आपको पता होता ही होता है। तो हम आए, और सबसे बड़ी बात क्या थी, हमें अपनी पहली मोहब्बत तो मिल गई AWM, लेकिन ना गाइस अपने पास स्कोप नहीं था, मतलब मोहब्बत थी लेकिन घर वाले राज़ी नहीं थे, ऐसे कुछ बोल देंगे। और भाई यहाँ तो हमें ऐसा गंदा मारा ना इन लोगों ने, ये बहुत अच्छा मार रहे थे यार, ये जो भी थे ना भाई, तुम जो भी थे ना, तुम काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने यहाँ पे मुझे नॉक किया। और हमारे जूबी भैया का मैं थैंक यू करना चाहूँगा, हमारे जूबी गांजा जूबी टिकटॉक, इसने स्मोक वगैरह की, जिंदा बच गए, जो सबसे पहले नॉक हुआ था वही ज़िंदा बचेगा, और जो नॉक नहीं हुए थे वो सब ऊपर वाले के पास चले जाएंगे, अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मांगा भाई 6x दे दो या 8x दे दो, लेकिन जूबी भैया बोलते हैं यार कुछ भी नहीं है, हम कंगले हैं, तो हमको बड़ा ख़राब लगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करके खेलेंगे, एक बार नॉक कर दिया बस, बहुत हुआ,
एक बार हम मौत के मुंह में गए और से वापस आ गए, हर बार नहीं होता सर जी, बार बार नौकर नहीं होंगे हम आपसे। तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, मैं टॉप पे चला गया। यह इतना बुरा लगता है मुझे 4x, बहुत बुरा लगता है। अभी हमारे दो बंदों को फिनिश कर चुके थे, बहुत अच्छा मार रहे थे और ऊपर से मेरा 4x का बना नहीं था। मेरे पास यार यकीन करो गाइस, 6x 8x होता ना, मैं अपने टीममेट्स को मरने ना देता। स्नाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो है अपनी। तो हमारे जुबी भैया भी फिनिश हो गए, और जहाँ से उसने मारा आप देख रहे हो, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं कवर नहीं दे पाया। अब इनके तीनों बंदे जिंदे हैं, हमारे तीनों बंदे मर चुके हैं। अब देख रहे हो कितना टाइट स्प्रे मार रहा है वो। देख रहे हो, अब गाइस बताऊँ क्या सीन है। ऐसे मौके पर फैसला लेना था, हमने थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी थी। फैसला क्या लेना था कि मैं यहाँ रुकूँ या नहीं। तो तीनों को मेरी पोजीशन पता है, अगर मैं यहाँ रुका रहूँगा ना तो यकीन करो मेरी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, हम मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ना रुकने का फैसला किया। थोड़ा सा मैंने वेट किया, मैं देखता हूँ कि अगर स्मोक, मुझे लग रहा था बंदा स्मोक में है, लेकिन वो रुका ही नहीं स्मोक में, भाग के आगे आ गया। और साउंड भी नहीं आया, मैं बड़ा हैरान यार साउंड क्यों नहीं आया। तो भाई हमने यहाँ पे वेट किया थोड़ा सा स्मोक ख़त्म होने का, कि काश स्मोक ख़त्म हो, वो लेटा हो वहाँ पे, और हम अपनी M4 से उसके भेजे में गोलियां उतार दें। लेकिन हमें लगा ना जब कि भाई यहाँ तो काम उल्टा ही हो रहा है, फिर हमें पीछे चला गया। पीछे जाने का मकसद ये था मुझे अच्छा एंगल मिलेगा और मुझ पर रश नहीं कर पाएंगे सिंपली। वहाँ वो ऊपर आ जाते तीनों सीढ़ियों से, वहाँ मेरा मैं मौत के मुँह में जा चुका था ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ पर आ गया, और अब यहाँ से आप देखोगे कैसे हमने अपनी अक्ल इस्तेमाल की और पूरी स्क्वाड को जहन्नम रसीद किया। देखो ज़रा, तो यार नहीं गलत हो गया, दोबारा फीलिंग के साथ। तो यहाँ गाइस हम मौत के मुंह में गए और से वापस आ गए। अपने पास टैलेंट है हम मौत के मुंह में जाने का और से वापस आ जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वाड को मारने के बाद गाइस हमने यहाँ पे हील की, लेकिन यहाँ बहुत नुकसान हो चुका था। हमने तीन बंदे तो मारे, लेकिन हमारे तीन बंदे भी मर चुके थे। और यहाँ से शुरू होता है अपना खेल अकेले का। अब सारा लाइव है ठीक है, एक मैं, बाकी बचे 16। अब उन 16 में से 12 बंदों को मैं मारूंगा, तो आप सोच सकते हो कि लास्ट में कितना इंटेंस फाइट होने वाला है। 8x वगैरह मिल गया, और उसके बाद हमने अपनी उठाई गाड़ी। गाड़ी ये कौन सी गाड़ी है ये पता नहीं, वो जो लेंटर डालने वाली मशीनें देखी ना आपने, वो उनमें से वो वाली गाड़ी है ये। बस पिंडी में तो वही चलती है ना जो लेंटर वगैरह डाल दें छतों पर, तो हाँ ये वो वाली गाड़ी। कैसा, तो यहाँ पर हमारे भाई पूछ रहे थे, हमने स्क्वाड मारा ना, तो ये भाई हमारे रैंडम वाले नंबर 3 ये पूछ रहे थे भाई एक्सपीरियंस। फिर हमने अपना एक्सपीरियंस इनको बताया कि जॉनी भाई का जहाँ जैसे वहाँ एक्सपीरियंस है, वैसे हमारा यहाँ एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा गलत हो गया था, लेकिन चलो स्क्वाड आ गया। फिर और अब आप देखोगे कैसे मक्कल इस्तेमाल करके खेलते हैं। इस बंदे को तो मैंने नॉक किया, लेकिन इसके दो टीममेट बिल्कुल नीचे थे, तो मेरा कोई इरादा नहीं था भाई जाने का, और जंप करने का भी दिल नहीं था क्योंकि वो ज़रा डैमेज नहीं थे। और ऐसे में रश करता तो वो दोनों मुझे लाजमी मार देते। तो हमने थोड़ी अक्ल इस्तेमाल की, वेट किया, नेट निकाला, लेकिन मुझे साउंड आया। अब साउंड मैंने क्या लिया कि पहले वो राइट में था, नीचे किचन था या जो भी था वो, उसके बाद वो नीचे बिल्कुल मिडिल में आ गया, तो मैं वहाँ नेट करता ज़ाया हो जाता। दोबारा मैंने नेट निकाला और वो वापस वहाँ पर किचन में या जो भी ये जगह है नीचे आ चुका था। वो मुझ पे नेट कर रहा था, मैं उस पे नेट कर रहा था। अब इनका एक नॉक है और एक बंदे को उन्हें लो कर दिया, अब रश करना बनता है। तो गाइस एक और बार हम मौत के मुंह में गए और से वापस आ गए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको मजा आया होगा। अभी तो यार ये तो कुछ नहीं है गाइस, समझ लो आप, अभी ना आपके सामने भी खाना ला के रखा जा रहा है अभी
शादी का खाना खुला नहीं है, तो जब शादी का खाना खुलता ना असली मज़ा तब आता है। वैसे तो देख देख के दिल खुश होता है, अभी समझो देख देख के दिल खुश हो रहा है, अभी जब शादी का लंगर खुलेगा ना सब उठ उठ के भागेंगे, वैसा मज़ा आएगा आपको भी। तो अब मैं काफ़ी देर वेट करता रहा, जोन थोड़ा सा अजीब बना था, तो यहाँ ये बंदा नॉक होता मज़े आ जाते, लेकिन ये नॉक हुआ नहीं। तो हमें इतना तो मालूम हो चुका था कि हमारे भाई भाई जो हैं वो काफ़ी डर गए हैं, तो हमने फ़ौरन से रश किया, इनको टाइम ही नहीं दिया सांस लेने का, और इनको भी जहन्नुम रसीद किया हमने। और उसके बाद गाइस अब बचे 9 बंदे, एक मैं। अब जितने बंदे ना सबको मैं मारूंगा, 8 के 8 बंदों को, देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने बंदे हैं सबको हम नहीं मारने हैं, मतलब 8 के 8 बंदों को हम पे लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख सकते हो कितना मज़े का गेम ले जाएगा। जैसे मैं ऊपर आया मैंने देखा, वो देखो सामने ज़रा 2 सांप के बच्चे लेटे हुए। मम्मे हीर दे, कैसे देख रहे हैं मुझे। उनको लग रहा है भाई हम घास में हैं, लेकिन दूर से घास नज़र नहीं आता सर, अकल इस्तेमाल करो। तो अब इन दोनों को तो मैंने मारा, ये डायरेक्ट किल हुए गाइज। और अब बाकी बचे 6 बंदे, और वो 6 बंदे सब अलग अलग जगह पे हैं। राइट में 2 बंदे थे जो कि एक ही टीम के थे, और उन्होंने मुझे शुरू में तो थोड़ा बहुत तंग किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे उसको स्पॉट किया, वो देखो भाग के आ रहा था, मैंने स्कोप खोला यहाँ तो नहीं दिखा, लेकिन अब आएगा वो नज़र, वो देखो भाग के आ रहा है। वो मूव कर रहा था, मैंने हेड मारा, लेकिन उसको बॉडी लगा क्योंकि वो हिल रहा था। जब तक मेरी एमओ वहाँ तक पहुँची, बुलेट वहाँ तक पहुँची, वो आगे आ चुका था, हेड नहीं लगा और उसको बॉडी लगा और बच गया। अब ना वो बंदा थोड़ा सा मुझे तंग करने वाला है। मैं ना ज़्यादा लंबी पीक नहीं देता गाइस, बेशक मैं स्प्रे कर रहा हूँ ना, बंदा नॉक ना भी हो ना मैं पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि उसका टीममेट कवर देगा तो मैं मतलब मर जाऊँगा। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पर किया भी था, चर्च के पास लो किया था और वापस हो गया था पीछे। तो ऐसे आप ना ज़्यादा लंबी पीक मत दिया करो। तो अच्छी बात है, ठीक है कवर दो अपने टीममेट को, लेकिन इतना भी अकल मैं रखो कि जोन जाना है, इन्होंने भाई ने नहीं रखा यार। तो गाइस यहाँ भी हमने सिस की खोपड़ी उड़ा दी, लेकिन मसला बताऊँ क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा ओम चलाई कि जब ओम की लास्ट में ज़रूरत थी ना, मेरे पास ओम की एमो नहीं थी, तो वहाँ हमें काफ़ी ख़राब लगा। अब देखो गाइस सर्कल बन चुके, ये भाई को हमने मारा, ये ब्रिज पे ना देख रहे थे भाई बंदे कहाँ हैं, और पहले मैं ऐसे जाने लगा, लेकिन फिर मुझे लगा ये पूरा स्क्वाड हो सकता है, और सामने देखो कितना ओपन एरिया था। फिर मैंने अपना इरादा बदला, क्योंकि जोन भी इतना प्यारा नहीं था, राइट में ज़्यादा था, कम था जोन, और लेफ्ट में ज़्यादा था, लेकिन जोन कभी कभी धोखा देता है। मैं यहाँ आऊँगा और अभी आपको दिखाऊँगा कि ओपन सर्कल में मैं कैसे गया। राइट में बंदे इतना तो आपको पता चल चुका। अब जोन ने थोड़ा बहुत धोखा दिया था कि जोन ना एकदम से ना राइट पे चला जाएगा, अभी पूरा लेफ्ट पर है। आप देख सकते हो पानी में कम है, खुश्की पे ज़्यादा है, मतलब जहाँ खुश्की है ना वहाँ जोन ज़्यादा है। तो मैंने देखा कि मेरे पास ना टाइम नहीं है गाड़ी लाने का अंदर से, और गाड़ी मैंने ना सीढ़ियों पर अटकाई हुई है, तो अगर मैं डैमेज खाऊंगा तो फ़ायदा नहीं है, बाहर आऊँगा जोन में जाऊँगा स्प्रे आ जाएगा। मैंने एक दूर स्मोक किया जो कि जोन के अंदर होना चाहिए था ऑलमोस्ट, और उसके बाद मैं स्मोक का कवर लेके आगे भागा। ओम हाथ में थी, क्योंकि अगर दूर कोई बंदा स्प्रे करता तो मैं ओम यूज़ कर लेता। तो इस बंदे को बॉडी भी लगा था और हेडशॉट भी लगा था, तो मुझे इतना पता था कि अब ये मुझ पे स्प्रे नहीं देगा। और अब हमें क्या करना था कि हमारा ड्रेस जो है बहुत ही ना शाइन करता है, दूर से चमकता है और जल्दी स्पॉट कर लेता है बंदा। तो हमने यहाँ पे ड्रेस भी फेंका अपना, और ओम की एमो नहीं थी तो ओम लेके जाता, और अगर मैं नेट करता तो ओम ना ऊपर उठ जाती है और ओम से बंदा ना स्पॉट हो जाता है। तो मैंने अपनी ओम भी गिरा दी यहाँ पे, अपनी पहली मोहब्बत को पीछे फेंक दिया, और हम जाने लगे जोन में। मैं देखो कितना जल्दी ना मतलब सुकून से, अभी मैं बहुत आगे कर दिया वीडियो कैसे हम सांप बन गए थे, और ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट सर्कल में ईजी नहीं होता। और गाड़ी के पास क्यों जाना था, क्योंकि हमें कुछ मतलब ना रिस्क लेना था, रिस्क ना लो तो फिर अगर मैं ऐसे रोड पर स्मोक करके जाता ना आगे तो फ़ायदा नहीं था, रिस्क लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी देर तक अकल इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे बग्घी के पास आए, और अब मुझे पता था जितने भी बंदे हैं वो सारे ना ब्रिज के पास है नीचे जहाँ पे हमने नॉक किया था। मैंने बग्घी पे स्मोक किया क्योंकि बग्घी पे बैठना था और मैंने उन पर रश करना था, वो भी वो लेफ्ट साइड पे थे, मैंने राइट साइड पे जाना था, लेकिन हमसे एक मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक क्या हुई अभी आप खुद ही देख लो। तो अब जैसे ही मैं जाने लगा, जोन आ रहा था और मैं अगर वहाँ से जा भी नहीं सकता था ऊपर, आप देख सकते हो जोन में नहीं थी वो जगह जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, और अब मैं फंस चुका था। अब हम मौत के मुंह में आ चुके थे और से निकलना बाकी था। अब टाइम था अकल इस्तेमाल करने का। अब मैं फंस चुका हूँ और सारे बंदे ऊपर हैं, अब यहाँ पे अपना कुछ करना जो है ना बनता है, क्योंकि भाई ऐसी अब मुझे तो लग रहा था भाई हम सेकंड आ गए। सुबह से गए इतने अच्छे अच्छे गेम प्ले हुए ना, सेफ ही नहीं हो रहे थे यार, सेफ ही नहीं हो रहे थे। और कुछ कुछ गेम्स में मैं मतलब अच्छे किल्स ले रहा था और लास्ट में मर रहा था, तो मेरा बड़ा दिल यहाँ पे ना एकदम से मैं हिम्मत हार गया कि यार अब भी मर जाऊँगा, वीडियो नहीं बनेगी। तो लेकिन ये लाइव स्ट्रीम पे चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्ट्रीम पे इज़्ज़त रखी अल्लाह पाक ने। और अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वेट करने का टाइम था। मैंने लेवल 3 उठाया क्योंकि लेवल 3 की अशद ज़रूरत थी सर, क्योंकि आप देख सकते हैं लेवल 3 तीन बंदे ऊपर हैं, लेवल 3 उठा लो। और मैंने रिस्क लिया इनको मारने का, मैंने कहा साइड से ऊपर जाता हूँ शायद पॉसिबल हो, क्योंकि मैंने देखा था उनके बंदे ना राइट पे जा चुके थे, आपने भी देखा होगा राइट पे बंदे चले गए थे, तो इसलिए। तो इन भाई साहब ने जो है ना स्पॉट किया लेकिन लेट किया, उनको लग रहा था हम अभी भी पानी में हैं, लेकिन अकल इस्तेमाल करके खेलो सर थोड़ी सी। और मैं फंस चुका था, इनके दो बंदे बाकी तंग करने वाले थे क्योंकि वो ऊपर थे, वो मुझे जल्दी मार सकते थे और मैं नीचे था, तो ऊपर जाने भी नहीं हो रहा था यहाँ से कहीं से। तो आप देख सकते हो कितना टाइट हो चुका था गाइस। तो गाइस यहाँ हम मौत के मुंह में गए और से वापस आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमको चिकन डिनर मिला और मज़ा आया होगा आपको भी गेम प्ले देख के यार। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना यार, हम बहुत क्लोज हैं गाइस 3 लाख सब्सक्राइबर्स के यार, पहुंचा दो। अभी हम आपको दिखाएंगे अपना करियर रिजल्ट के यार, देखो कितनी मेहनत कर रहे थे कि वीडियो बन जाए लेकिन सेफ नहीं हो रही थी। और हम आपको दिखाएंगे अपनी आईडी पबजी आईडी, और हम आपको दिखाएंगे पॉपुलैरिटी भी गाइस अपनी बहुत अच्छी जा रही है यार, 8.5 लाख हो चुकी है। अगर भेज दिया करो फ्री वाले तो भेजते रहा करो, अपनी 10 लाख तक करनी है हमने इंशाल्लाह जल्दी। तो मैं आपको दिखाते हैं अपना करियर रिजल्ट और आपको दिखाएंगे अपनी पॉपुलैरिटी, कौन कौन टॉप में बैठा हुआ है। तो ये गेम प्ले जा रहा था गाइज, और अब आपको दिखाते हैं हम, ये रहे हमारे टॉप 10 बंदे जो पॉपुलैरिटी में बैठे हुए हैं। तो गाइज मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।